top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मैं आया हूं अपने अधिकारियों से जो बातें आपको मैं बता रहा हूं उसको कार्यान्वित करने के लिए मैं क्या सोचता हूं और मैं अपने अधिकारियों से क्या अपेक्षा करता हूं ये बताने आया हूं क्योंकि किसी को दंडित करने से पहले ये बताना हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनसे क्या उम्मीद करता हूं बिना बताए हुए कि आप उससे क्या चाहते हैं किसी गलती के लिए तो आदमी को पता होना चाहिए कि हम उसे क्या उम्मीद करते हैं फिर अगर वो गलती करता है उसके बाद तो वो सजा पाने का हकदार है इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी बात अपने अधीनस्थों से कह सकूं कि भाई हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं सर एक गलती मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ आज की तारीख में जो भी अपहरण हुए हैं हमारे आने के बाद जो घटनाएं हुई और जो संज्ञान में आया ये नए लोगों के द्वारा किया जा रहा है किसी संगठित गिरोह के द्वारा नहीं किया जा रहा है ज्यादातर परिचित लोगों के द्वारा किया जा रहा है या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिससे अपराध किए जाने की उम्मीद नहीं की जाती मेरठ में बच्चे का अपहरण हुआ उसके एक्स ड्राइवर ने और उसके परिवार के लोगों ने किया आपके यहाँ सीओ साहब का हुआ एक बिजनेसमैन ने अपने नौकर के साथ किया तो ये किसी संगठित गिरोह का काम नहीं है ये इंडिविजुअल एब्रेशंस हैं समाज में और वो जब हमारे सामने आएंगे उसमें हम कार्यवाही करेंगे कोई संगठित गिरोह के द्वारा अपहरण की गतिविधि फिलहाल हमारे यहाँ किसी कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं है और इस प्रकार के कोई अपराध किसी संगठित गिरोह द्वारा नहीं किए जा रहे CCTNS स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस लागू करने जा रही है इसी वर्ष लागू जहां पर आप रजिस्ट्रेशन की बात छोड़ दीजिए इवन द कंप्लेंट वुड गॉट रजिस्टर्ड ठीक है क्राइम की बात छोड़ दीजिए इवन द कंप्लेंट वुड गेट रजिस्टर्ड और उसमें कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि आदमी थाने पर ही आकर के सूचना दे आदमी ऑनलाइन अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता तो विभाग की सोच कहीं ये नहीं है कि आने वाली इन्फॉर्मेशन को या आने वाली कंप्लेंट को या आने वाले अपराध को कहीं मिनिमाइज किया जाए या उसे रोका जाए ये सोच अगर निचले स्तर पर कहीं बनी हुई है तो हम उनको भी जैसे हम आपसे कह रहे हैं वैसे ही वो जब हम उनके बीच जाते हैं तो उनको हम यही बताते हैं कि इट इज ओनली यू सी यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट बिफोर यू कि आप अपनी आदत में ये शुमार कर लीजिए क्योंकि जिस दिन ये स्कीम लागू हो जाएगी 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तो उस दिन हमारे पास या हमारे कर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर पाए सो दैट इज अ रियलिटी विच वी आर गोइंग टू हैव फॉर आवरसेल्व्स सो लेट अस गो विद दैट स्पिरिट एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन द राइट वे अभी हमारे यहाँ एक संगठित रूप से दो चीजें हो रही एक तो आपको शायद जानकारी होगी एक क्राइम ब्रांच का गठन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हो रहा है वो जो क्राइम ब्रांच होगा वो उसमें जितनी ये चीजें हैं चाहे इंटेलिजेंस से संबंधित चीजें हों चाहे सर्विलेंस से संबंधित चीजें हों चाहे तफ्तीश से संबंधित इन्वेस्टिगेशन से संबंधित चीज़ें हों चाहे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट फोर्स होना ताकि वो अपनी सूचनाओं के आधार पर अपनी कार्रवाई कर सकें दे शुड नॉट गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स तो ये सारी व्यवस्था उस टीम वो क्राइम ब्रांच बना रही है उनकी व्यवस्था की जा रही है इसी तरह से हम लोगों के यहाँ एक आदेश दूसरा ये हुआ है DG साहब का कि पब्लिक रिलेशंस सेल का गठन किया जाए और जितनी बातें आप बता रहे हैं फेसबुक वगैरह की वो सारे उसके एजेंडा में ये सारी चीज़ें शामिल हैं तो अगर पूर्व में ये नीतिगत रूप से नहीं होती थी किसी जिले में कोई अधिकारी गए उनको अच्छा लगा उन्होंने एक काम किया दूसरे आए वो डिसकंटिन्यू हो गया अब जो ये चीज़ें हो रही हैं ये एक पूरे संगठित रूप से विभाग के निर्देशों के अनुरूप हो रही है तो इसमें जो चीज़ें शुरू होंगी
उसमें कंटिन्यूटी होगी और आपको बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। थोड़ा सा वक्त इच्छा शक्ति होगी और नियत चाहिए। नियत और इच्छा शक्ति जो है वो पैदा करना पड़ेगी अगर जिनमें नहीं है, जिनमें है उनका हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे। बाकी दो दिन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि दो दिन में कोई पुलिस की भर्ती होगी, ठीक है ना। तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को ही हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके कैसे हम जनता को बेहतर सुविधाएं या सेवा दे सकते हैं, इस पे हम लोग केंद्रित करेंगे तो कुछ उसका परिणाम सामने आएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो एक सतत और लंबी प्रक्रिया है। नोएडा गाजियाबाद तो वैसे भी थोड़ा सा प्रायोरिटी में यूपी के रहता है। लोगों की कमी, मतलब पुलिस कर्मियों की कमी, थानों की कमी, चौकियों की कमी जो है वो तो विद्यमान है। अब शासन के पास एक विभाग सिर्फ पुलिस तो है नहीं कि इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए। तो ये चीज़ें क्रमिक रूप से होती हैं, एक साथ सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कि रोज लूट की घटनाएं एक्सप्रेस वे पर होती हैं, ये बात अपने आप में सही नहीं है। कभी कभार कोई घटना हुई होगी, मैं उससे मने नहीं करता आपको। जब घटना हुई है तो रिपोर्ट भी लिखी एक्सप्रेस वे पर। जब भी घटनाएं रिपोर्ट, क्योंकि वहां पर तीन जगह आपको पता है, तीन जगह मथुरा में और आगरा में तीन जगह लगे हुए हैं बैरियर, पूरा रूट कवर्ड है सीसीटीवी कैमरा से। तो मुझे अगर कोई घटना होती है तो उसको चिन्हित करना, उसको पकड़ना। नोएडा आप लोगों की नाराजगी किसी खास अगर समस्या के बारे में है तो वो आप जानकारी बतौर हमें बताइए, तो हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ।